एक अनपढ़ ग्रामीण महिला से मिली सीख, जिसे अब तक नहीं भूले हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। बचपन का किस्सा जानकर यकीन नहीं होगा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, तब से उन्होंने ऐसे कई शानदार कामों को अंजाम दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुए हैं। महिला, गरीबों और पीड़ितों को हमेशा इंसाफ दिलाया है, भले ही सामने विरोध में मोदी सरकार क्यों ना हो। सीजीआई चंद्रचूड़ खुद मानते हैं कि बचपन में उन पर एक अनपढ़ ग्रामीण महिला का गहरा प्रभाव पड़ा था, जिस वजह से चीफ जस्टिस को बहुत कुछ सीखने को मिला। उस ग्रामीण महिला से सीजीआई को क्या सीख मिली थी जिसे वो अब तक नहीं भूले हैं, इस रिपोर्ट में आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव की महिला का सीजीआई के जीवन पर पड़ा प्रभाव। द वीक की अंजुली मथाई को दिए इंटरव्यू में डीवाई चंद्रचूड़ बताते हैं कि वे मेरे जन्म से पहले रत्नागिरी में आई थी। उन्होंने मुझे ग्रामीण महाराष्ट्र के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने जो बताया वह कई मायनों में ग्रामीण भारत की तस्वीर थी। वह मुझे गांव में लोगों की आकांक्षाओं के बारे में बताती थी, हालांकि वह पूरी तरह से अनपढ़ थी। उन्होंने हमारे घर में ही पढ़ना लिखना सीखा। मेरी बहन, माँ और मैंने उन्हें पढ़ाया, हालांकि उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। लेकिन आप उनके आदर्शों को जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उस महिला ने चंद्रचूड़ के परिवार के लिए लगभग 40 वर्षों तक काम किया। ग्रामीण महिला ने सीजीआई को क्या सिखाया? चंद्रचूड़ आगे बताते हैं कि उन्होंने मुझे जो सिखाया वह कुछ ऐसा था जो उन दिनों कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं सिखा सकता था। वह बहुत ही उदार और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक महिला थी। उन्होंने ये तय किया कि स्कूल में मेरे दोस्त समाज के उसी वर्ग के हों जिस वर्ग से वह आती थी, इसलिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त हमारे स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले बच्चे थे। मेरे माता पिता मुझे उनके घर जाने और उनके साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। मैं उन दोस्तों के घर जाता था, अपनी छुट्टी के दिन उनके साथ खाने और खेलने में बिताता था। परिवार में बहन को थी अधिक स्वतंत्रता। डीवाई चंद्रचूड़ मानते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें अलीट तरीके से नहीं बड़ा किया। वह कहते हैं वे बेहद उदार थे, हालांकि कुछ मायनों में बहुत पारंपरिक भी थे। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को बिल्कुल एक तरह से पाला। मैं और मेरी बहन अंग्रेजी माध्यम स्कूल में गए, जो हमारे परिवार में एक नई बात थी। मेरे माता पिता दोनों मराठी माध्यम के स्कूलों में गए। उन्होंने अंग्रेजी क्लास 7 या 8 के बाद सीखी। चंद्रचूड़ की शिकायत है कि लाइफस्टाइल के मामले में उनकी बहन को उनकी तुलना में घर में अधिक स्वतंत्रता थी। जस्टिस चंद्रचूड़ की बहन उनसे 14 साल बड़ी हैं। अब वह इंडियाना में रहती हैं। उन्होंने भी लॉ किया था। वह बॉम्बे यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हैं। 1971 में अपनी शादी के बाद वह अमेरिका में बस गई।